अच्छा आज की गणित में घन तथा घनमूल के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले वीडियो में हम वर्ग तथा वर्गमूल के विषय में बताए थे। अब सबसे पहले अब घन के विषय में पढ़ेंगे कि घन क्या होता है, यानी क्यूब। तो घन के विषय में पहले पढ़ेंगे तो याद रखिए कि किसी संख्या और उस संख्या के वर्ग का गुणनफल संख्या का घन कहलाता है। यानी संख्या और संख्या के वर्ग का गुणनफल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या जो है हम दो मानते हैं, तो संख्या का वर्ग, संख्या का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, यानी दो के घाते दो बराबर यह हो जाएगा चार। तो किसी संख्या और उस संख्या के वर्ग के गुणनफल को हम उस संख्या का घन कहते हैं। तो यह हो जाएगा आपका दो का घन बराबर यह हो जाएगा दो गुणे चार बराबर यह हो जाएगा आठ। तो दो का घन जो है यहाँ पर आठ हो जाएगा। और किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उस संख्या पर तीन घात लिख देते हैं, इसको पढ़ते हैं कि दो का घन, या इसको टू क्यूब भी कहते हैं। तो किसी संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए उस पर दो घात लिखते हैं और किसी संख्या का घन ज्ञात करने के लिए उस पर तीन घात लिखते हैं। जैसे तीन का घन, अब तीन का घन हमें ज्ञात करना है, तो यह हो जाएगा तीन के घाते तीन। और तीन के घाते तीन का मतलब यह हो जाएगा तीन गुणे तीन गुणे तीन, तीन त्री के नौ, नौ त्री सत्ताईस। तो तीन का घन जो है यहाँ पर सत्ताईस हो जाएगा। उसी तरह चार का घन हमें ज्ञात करना है, तो चार का घन इसका मतलब हो जाएगा चार के घाते तीन, और यह हो जाएगा आपका चार गुणे चार गुणे चार बराबर चार चौको सोलह, सोलह चौको चौसठ। तो चार का घन जो है यहाँ पर चौसठ हो जाएगा। तो यह जो है किसी संख्या का घन ज्ञात करने का तरीका है कि किसी भी संख्या का घन ज्ञात करना हो तो उस संख्या का लगातार तीन बार गुणा करते हैं और गुणा करने के बाद उसका मान ज्ञात कर लेते हैं, वही उस संख्या का घन हो जाता है। और घनमूल, तो जैसे यहाँ पर देखते हैं कि तीन का घन जो है सत्ताईस है, तो हम कहेंगे कि सत्ताईस का घनमूल जो है तीन होगा। चार का घन चौसठ होता है, तो चौसठ का घनमूल जो है चार होगा। इसको संकेत के रूप में देखिए, करणी के रूप में ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर तीन लिख देते हैं। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जो संख्या लिखी गई है इसका घनमूल ज्ञात करना है। इसका मतलब कि 27 का घनमूल, तो 27 का घनमूल हो जाएगा तीन। इसका मतलब हो जाएगा 64 का घनमूल, तो हम जानते हैं कि 64 का घनमूल जो है चार होगा। यानी तीन का घन 27 होता है, तो कहेंगे 27 का घनमूल जो है तीन होगा। चार का घन 64 होता है, तो 64 का घनमूल जो है चार होगा। तो यह जो है घनमूल का चिन्ह है। अब आइए हम किसी संख्या का घनमूल कैसे ज्ञात करते हैं उस पर ध्यान देंगे। संख्या के वर्गमूल के विषय में पढ़े हैं कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो विधियां बताई गई थी, एक जो है अभाज्य गुणनखंड विधि और दूसरा जो है भाग विधि होता है। लेकिन यहाँ पर घनमूल जो है केवल अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकलता है, भाग विधि से हम नहीं निकालते हैं। अब जैसे देखिए, मान लीजिए 512 का हमें घनमूल ज्ञात करना है कि 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए,
512 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 × 4 2×5 10, 2 × 6 12 फिर 2 से भाग देंगे, 2×1 2 2×4 2×8 16 फिर 2 से भाग देंगे, 2×6 12 2×4 8 फिर 2 से भाग देंगे 32, 2 से भाग देंगे 16 फिर 2 से भाग देंगे 8 फिर 2 से भाग देंगे 4 फिर 2 से भाग देंगे 2 और फिर 2 से भाग देंगे 1। तो सबसे पहले हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात करेंगे। अब गुणनखंड ज्ञात करने के बाद जैसे वर्गमूल में बताए थे कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं, उसमें दो दो का जोड़ा बनाते हैं, इसमें जो है तीन तीन संख्या एक साथ लेते हैं, यानी एक ही संख्या तीन बार होनी चाहिए, उस पर ऐसे लाइन खींच देंगे। तो जैसे 2 जो है 3 बार हो गया, फिर यहाँ पर 2 जो है 3 बार हो गया और यहाँ जो है 2 3 बार हो गया, तो हम कहेंगे इसलिए 512 का घनमूल, यानी ऐसे करने के अंदर लिखेंगे और यहाँ पर 3 लिख देंगे बराबर। अब यह जो लाइन खींची गई है इसमें से एक एक संख्या को लिखेंगे, तो यह 2 का घन है तो यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 ले लेंगे तो यह हो जाएगा आपका 8। यानी कहने का मतलब कि 512 का घनमूल जो है 8 होगा। उसी तरह देखिए 729 का हमें घनमूल ज्ञात करना है कि 729 का घनमूल क्या होगा, उसी तरह 729 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 3 से भाग देंगे इसमें, 3×6 3×12 3×9 फिर 3 से भाग देंगे, 3×8 24 3×1 3 3×6 3×7 21 3×9 27 3×9 फिर 3 से भाग देंगे, 3×1 3। उसी तरह फिर देखिए यह 3 जो है 3 बार है, यहाँ भी यह 3 जो है 3 बार हो गया, तब लिखेंगे इसलिए 729 का घनमूल बराबर ये हो जाएगा। अब यहां से हम 3 लेंगे तो 3×3 बराबर ये हो जाएगा 9। तो 729 का घनमूल जो है 9 हो गया। इसी क्रम में लिखिए 1728 का घनमूल हमें ज्ञात करना है, तो 1728 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2×8 16 2×6 12 2×4 8 फिर 2 से भाग देंगे, 2×4 8 2×3 6 2×4 फिर 2 से भाग देंगे, 2×4 2×1 2 2×6 12 फिर 2 से भाग देंगे, 2×1 2 2×8 16 फिर 2 से भाग देंगे, 2×5 10 2×8 फिर 2 से भाग देंगे 27 फिर 3 से भाग देंगे 9 फिर 3 से भाग देंगे यहाँ पर 3 और फिर 3 से भाग देंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यह 2 जो है 3 बार हो गया, यहाँ भी 2 3 बार हो गया और यह 3 जो है 3 बार हो गया, तो हम कहेंगे इसलिए 1728 का घनमूल बराबर। अब 2 का घन हुआ तो 2 लिख देंगे, यहां से भी 2 लिखेंगे और यहां से 3 ले लेंगे हम, तो यह हो जाएगा आपका 12। इस प्रकार जो है हम संख्याओं का घनमूल ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से। अब चूंकि यहां यह जो है छोटी संख्याएं हैं, इससे बड़ी संख्या रहेगी तभी उसका हम घनमूल इसी तरह ज्ञात करेंगे, लेकिन आपको 1 से 100 तक के बीच की जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका घन आपको याद रखना पड़ेगा कि 2 का घन क्या होता है, 3 का घन क्या होता है, 5 का घन क्या होता है, 7 का घन क्या होता है, यानी ये जितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो 1 से
उनका धन हमें याद करना होगा, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड से हमको घनमूल ज्ञात करना है। तो केवल हम अभाज्य संख्या से ही भाग देंगे, अन्य संख्या से भाग नहीं देंगे। तो इस प्रकार घनमूल निकालने के लिए आपको संख्याओं के घनों पर ध्यान रखना होगा। अब जो है इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।